नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। आपने आज के ट्यूटोरियल में अपने स्क्रीन पर बना हुआ जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं, ये वाटर टैंक है। इससे पहले भी आपने मेरे साथ इसे ऑटोकैड एनएक्स केटिया V5 क्रियो पैरामेट्रिक 7.0 और इन्वेंटर पर बनाया है। तो दोस्तों आज हम इसे बनाएंगे सॉलिड वर्क्स पर। तो दोस्तों आप मेरे साथ इस कंपोनेंट को बनाना शुरू कर सकते हैं। देख रहे हैं आप ये कितना रियलिस्टिक है, बिल्कुल जैसे वाटर टैंक का जो अपियरेंस होता है ये बिल्कुल वैसा ही नज़र आ रहा है। तो चलिए अब हम इस कंपोनेंट को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से पहले मैं इस फाइल को क्लोज़ कर देता हूँ। फाइल को क्लोज़ कर दिया मैंने दोस्तों। जब हम ये जो स्क्रीन हमारे सामने आ रही है, वो स्क्रीन है जब हम सॉलिड वर्क्स के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं। यहाँ से नई फाइल ओपन करने के लिए देखिए, मैं यहाँ से न्यू पर गया। न्यू पर ये पार्ट जो हाईलाइटेड होना चाहिए, ओके पर क्लिक किया, एक नई फाइल ओपन हो जाएगी यहाँ से। तो अब हम इस कंपोनेंट को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए, ये मैंने तीनों प्लेन्स और ये ओरिजिन, इन पर जो है इन्हें सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ से शो पर क्लिक किया तो ये अब हमें परमानेंटली नज़र आएंगे प्लेन्स। तो यहाँ से स्केच पर क्लिक किया। स्केच पर क्लिक करने के बाद ये देखिए, ये स्केच नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक किया। यहाँ से फ्रंट प्लेन पर क्लिक किया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए, लाइन पर गए। लाइन पर जाने के बजाय रेक्टेंगल ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ से ये कॉर्नर रेक्टेंगल लिया, देखिए ये ओरिजिन पर क्लिक किया एक, और एक ऐसे साइड में यहाँ क्लिक कर दिया। अब इनकी डायमेंशन हमें करनी है। स्मार्ट डायमेंशन पर क्लिक किया, इस वाली लाइन पर क्लिक किया, इसे हमने टाइप करके कर दिया 750, एंटर। और ये लाइन जो है इसे हमने ले लिया, ये ले लिया हमने 1500। ओके, इसके बाद हम यहाँ से ये आर्क ले लेते हैं, सेंटर पॉइंट। ये थ्री पॉइंट आर्क ले लिया हमने, एक क्लिक इधर और एक क्लिक यहाँ से। ये देखिए ट्रैक करते हुए इधर ले आए, और तीसरा क्लिक हमने ऐसे यहीं पर कर दिया। एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकल आए। अब यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन पर क्लिक किया, इस ये स्मार्ट डायमेंशन पर क्लिक करने के बाद ये आर्क पर क्लिक किया, यहाँ रखा डायमेंशन को, इसे कर दिया 1500, इसकी रेडियस को। ये देखिए ऐसे हो गई इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन पर गए, यहाँ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो ये डिस्टेंस है, इसे हम कर देंगे 200। ये देखिए ऐसे ये वापस आ गया। अब ये पॉइंट पर क्लिक किया और इस पॉइंट पर क्लिक किया, इन दोनों को हम कर देंगे वर्टिकल, तो ये ऐसे आ जाएगा। और यहाँ से एक्सटेंड पर क्लिक किया, ये देखिए इस पर एक्सटेंशन, इस तरह से ये क्लोज हो गया। और ट्रिम पर क्लिक किया, इसके बाद यहाँ से ये ट्रिम कर दिया। एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकल आए। अब यहाँ से ये सर्कल लिया, देखिए यहाँ पर कहीं पर भी, मतलब इस लाइन पर ही सेंटर होना चाहिए, बस ये ध्यान में रखना हमें। ये एक सर्कल बनाया, स्मार्ट डायमेंशन पर क्लिक किया, इसकी जो रेडियस है इसका डायमीटर हमने ले लिया 70 mm। और यहाँ ये नीचे वाली लाइन से इसके सेंटर का जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है, ये होना चाहिए 150, इसे 150 कर दिया। अच्छा, अब आगे इसके इसे हम रेक्टेंगुलर पैटर्न कर लेंगे, लीनियर पैटर्न जैसे। देखिए लीनियर पैटर्न यहाँ से लिया। अब यहाँ पर एंटिटीज़ टू पैटर्न ये देखिए नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्लिक किया, ये बॉक्स जो है हाईलाइट होने लगा, ये ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया हमने, तो ये हो गई हमारी एंटिटी जिसे हमें पैटर्न करना है या जिसे हमें एरे करना है। अब आप यहाँ देखिए कि ये इस डायरेक्शन में, यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ ये मूव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दो दे रखे हैं, ये इसको एक कर दिया। और वाई एक्सिस में हमें जाना है, तो यहाँ पर हम बढ़ाएंगे, देखिए ये बढ़ रहा है, इसे हमने कर दिया नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमें चाहिए 6। और ये है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये लेना है हमें 230, और एंटर प्रेस किया। ये देखिए प्रीव्यू नज़र आ रहा है हमें, हमें यही चाहिए। यहाँ से ओके पर क्लिक किया। अब ट्रिम एंटिटीज पर आते हैं, ट्रिम एंटिटीज पर आते हैं। ये देखिए इसे ऐसे ट्रिम किया, ये देखिए इस तरह से इसे ट्रिम कर दिया। अब यहाँ नीचे एक फिलेट ले लेंगे, ये स्केच फिलेट पर गए, यहाँ पर 50 की वैल्यू रखी, और ये जो कॉर्नर है यहाँ पर क्लिक किया, ओके।
यहाँ से बाहर निकला है, ये हमारा ये प्रोफाइल कंप्लीट हो गया। एग्जिट करते हैं स्केचर से, ये इस तरह से हमें दिखाई देने लगेगा, फीचर रिवॉल्व, और ये है हमारा एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन। लिया ओके पर क्लिक कर दिया, तो इस तरह से देखिए हमें नज़र आने लगा। अब हम क्या करेंगे कि ये रेफरेंस ज्योमेट्री में गए, प्लेन कमांड पर क्लिक किया, ये जो नीचे वाला प्लेन है इस पर क्लिक किया, इसे हम ऑफसेट करेंगे ऊपर 1710 mm पर। देखिए वैल्यू यहाँ पे 1710 mm ऑलरेडी यहाँ पर दे रखी है, ये 1710 mm ऊपर ले जाएंगे, यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। अब इस प्लेन को सेलेक्ट करेंगे, इस पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, स्केच पर गए, इस प्लेन पर क्लिक किया, और यहाँ से ये रहा नॉर्मल, ओके। अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो पहले हम यहाँ पर सेंटर रेक्टेंगल यूज़ करते हैं, ये रहा सेंटर, एक क्लिक सेंटर पर और एक क्लिक बाहर। इसके बाद फिर से सेंटर रेक्टेंगल लिया आपकी, हम ये इस तरह से बनाएंगे। इसके बाद तीसरा एक सेंटर रेक्टेंगल और बनाते हैं, ये इस तरह से होगा, ओके। चलिए अब हम थोड़ा डाइमेंशनिंग कर लेते हैं यहाँ से। स्टार डायमेंशन पर गए, ये लाइन इसे हम कर देंगे 250, ये लाइन ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये जो लेंथ है ये ज़्यादा होनी चाहिए इस 1500 के सर्कल से, 250 एंटर। इसके बाद ये जो बनेगा इसे, ये स्क्वायर बनेगा 600 बाई 600 का, ये देखिए यहाँ से, ओके। अब हम करेंगे क्या कि यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को हमें रोटेट करना है, तो ये देखिए यहाँ से रोटेट एंटिटीज एक एक करके, देखिए 1 2 3 4, यहाँ कंट्रोल दबाने की ज़रूरत नहीं है, एक इधर और एक क्लिक इधर, ये। अब यहाँ से इस पर बॉक्स पर क्लिक किया, सेंटर ऑफ रोटेशन हमारा ये है। अब यहाँ से हम ये वैल्यू यहाँ पर दे देंगे 45 और एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ से ओके कर देंगे। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट 45 डिग्री पर रोटेट हो गया। इसके बाद हम सर्कल में जाएंगे, ये रहा सर्कल का सेंटर, और ये रहा एक क्लिक बाहर। अब इसकी जो डायमेंशन है, स्टार डायमेंशन, स्मार्ट डायमेंशन में जाकर इसको कर देंगे, इसका डायमीटर 1500, ओके। इस तरह से ये सर्कल बना देंगे। अब आएंगे हम ट्रिमिंग की तरफ, ये देखिए ट्रिमिंग करना शुरू करते हैं हम यहाँ से। पहले तो ये सब तरफ, एक बार मैं कंट्रोल जेड करता हूँ फिर से, इस तरह से एक बार फिर से ट्रिम करते हैं हम इसे, ट्रिम। अब पहले इसे रिमूव करेंगे यहाँ से, ये देखिए ये सर्कल का जो ये पोर्शन है इसे रिमूव कर दिया। अब ये देखिए ये छोटा हो रहा है बार बार, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ एक बार मैं फिर से। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसकी डायमेंशन ही हम सेट कर देते हैं, तो ये छोटा नहीं होगा, देखिए जितनी दिखा रहा है उतनी ही रख देते हैं, ओके। ठीक है, अब ट्रिमिंग करते हैं यहाँ से, ट्रिम एंटिटीज, देखिए फिर छोटा हो रहा है, कंट्रोल जेड किया मैंने, तो दोस्तों इसको ट्रिम हम दूसरे तरीके से करते हैं। देखिए ट्रिम पर मैंने यहाँ क्लिक किया, अब पहले अंदर से हम इसे ट्रिम कर लेते हैं यहाँ से, ये देखिए ये पूरा पोर्शन जो है ये इस तरफ से, ये हमने ट्रिम करके बाहर से पूरा रिलेशन ही ख़त्म कर दिया, जिससे वो बार बार ऑब्जेक्ट छोटा हो रहा था। देखिए ये छोटी सी लाइन जो है इसे भी हमने ट्रिम कर दिया। अब हम देखिए बाहर की तरफ ट्रिम करेंगे, तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई दिक्कत इसमें आनी चाहिए, ये भी इधर से ट्रिम और ये भी ट्रिम कर दिया। कभी कभार कुछ ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से एसोसिएट होते हैं, तो उस वजह से भी ये दिक्कत आती है कि
एक अगर आप ट्रिम करेंगे तो दूसरा भी उस पर भी इफेक्ट आता है उस चीज़ का। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि नहीं आ रहा आप, एक यहाँ पर ये भी ट्रिम करेंगे, ये भी ट्रिम करेंगे, अब यहाँ बाहर हम कर लेते हैं। अब यहाँ कोई दिक्कत ऐसी नहीं आनी चाहिए, देखिए नहीं आ रही। अब ये जैसा हम चाह रहे थे वैसा प्रोफाइल ये बन रहा है। इस प्रोफाइल को अब ध्यान से देखिए, यही हमें चाहिए एग्जैक्टली। यहाँ पर ये सर्कुलर पोर्शन होगा, ये सर्कल का ही पार्ट है यहाँ पे, और ये हमें चाहिए। यहाँ से हमने ओके पर क्लिक किया। ओके पर क्लिक करने के बाद इससे हम एक्सट्रूड करेंगे, फीचर्स एक्सट्रूड, ये नीचे की तरफ लेकर जाएंगे और यहाँ से हम अप टू सरफेस ट्राई करते हैं। अप टू सरफेस हो गया। ओके ये देखिए, अब स्केच ये ऊपर वाला फेस लिया, सर्कल, एस्केप, स्मार्ट डायमेंशन, और इसको हम कर देते हैं 400 mm का डायमीटर। फीचर्स एक्सट्रूड, ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ आएगा, कितना 60 mm, 60 टाइप करके एंटर प्रेस किया, ओके कर दिया इसे। ओके अब यहाँ से हमें फिलेट करना है, फिलेट पर गए, फिलेट की वैल्यू ले ली यहाँ से 20, और इस फेस पर क्लिक किया, फिर इस पर किया और इस पर किया और ठीक है, अब यहाँ से ओके कर दिया। इसके बाद फिर से फिलेट, वैल्यू वही 20 रहेगी, ये ऊपर वाला फेस ले लिया, ओके ये देखिए। मेरे ख्याल से जिन लोगों ने भी वाटर टैंक का पहले के ट्यूटोरियल्स देखे हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के, उसमें सबसे आसानी से फिलेट इसी में हुआ है। अब इसके बाद आ जाता है यहाँ पर शेल, देखिए शेल पर क्लिक किया, ये ऊपर वाला सरफेस, इस पर क्लिक किया, वैल्यू दे दी थिकनेस की 3 mm और ओके। ये देखिए ऑब्जेक्ट आपका शेल हो गया, खोखला हो गया। इसको हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये देखिए ये थिकनेस जो है ये 3 mm की है। यहाँ से कैंसिल। अब यहाँ पे जितने भी इसमें आपको प्लेन्स नज़र आ रहे हैं, ये इन सब पे सेलेक्ट करके राइट क्लिक किया और हाइड पर क्लिक कर दिया, ये हाइड हो गए। ये प्लेन भी लिया, इससे भी हम हाइड कर देंगे, हाइड हो गया। अब इसके इसका जो है अपीयरेंस चेंज करते हैं, थोड़ा सा रियलिस्टिक और दिखाई देगा, जिसकी वजह से ये देखिए यहाँ से क्लिक किया बॉडी, ये देखिए ये ऊपर खुल कर आया। यहाँ से यहाँ प्लास्टिक्स में जाते हैं और सैटिन फिनिश और ब्लैक सैटिन फिनिश प्लास्टिक ये ले लिया ये, और यहाँ से ओके पर क्लिक किया। देखिए कितना रियलिस्टिक और कितना बिल्कुल सेम अपीयरेंस आ रही है इसकी, जैसे वाटर टैंक्स की होती है जनरली। वैसे तो इन्वेंटर के मुझे मटेरियल लाइब्रेरी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी इसमें जो है ये काफ़ी रियलिस्टिक नज़र आ रहा है। इसको हम इसके अभी देखिए एजेस इसकी प्रोमिनेंट है, इनकी एजेस को भी ऑफ कर देते हैं, थोड़ा और देखने में अच्छा लगेगा। यहाँ से डिस्प्ले में गए और ये इसकी एजेस जो है वो हमने वो हटा दी। अब देखिए ये शेडेड में हमें कैसा नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ये था वाटर टैंक इन सॉलिड वर्क्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो के नोटिफिकेशंस इस वीडियो के से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डालें, और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।